समूह संचालक को नहीं मिला कई महीनों से खाद्यान्न। समूह संचालक ने की एसडीएम से सेल्समैन की शिकायत। मामला पिछोर अनुभाग के खुरई गांव का है। खुरई गांव के मिडिल स्कूल में माध्यान्ह भोजन बनाने वाले समूह संचालक को कई महीनों से सेल्समैन द्वारा खाद्यान्न नहीं दिया गया, जिससे वे काफी परेशान है। स्कूल में बनने वाला मध्यान्ह भोजन समूह संचालक बाजार से गेहूँ खरीद कर मध्यान्ह भोजन बनवा रहा है। सेल्समैन द्वारा उसे कई महीनों से राशन नहीं दिया गया। समूह संचालक का कहना है कि सेल्समैन द्वारा मशीन पर अंगूठा लगवा लिया जाता है, लेकिन खाद्यान्न नहीं दिया जाता है। वहीं सेल्समैन की शिकायत को लेकर समूह संचालक ने एसडीएम को आवेदन दिया। एसडीएम ने समूह संचालक के आवेदन पर जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। वहीं पिछोर से संवाददाता सचिन राजभट्ट की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मिहिलाल। कहाँ की हो? खुरई। अच्छा मिहिलाल जी, आप एसडीएम कार्यालय आए, क्या समस्या है? गेहूँ नहीं दे रहा साहब जो है समूह को। समूह का गेहूँ नहीं? कौन नहीं दे रहा है? सोनू लोधी। कौन है जी? सोनू लोधी जी। कौन है जी? सेल्समैन है साहब। सेल्समैन? हाँ। समूह का गेहूँ नहीं दे रहा? नहीं साहब। कब से नहीं दे रहा साहब? 6 महीने हो गए। 3 महीना को अधूलो पड़ो, 3 को बिन्ने फिनवाई दो। सर आप कौन से स्कूल में जो है समूह चलाते हैं? कौन से स्कूल में? मिडिल में साहब। तो फिर बच्चों को कहाँ से खिला रहे हैं जब गेहूँ नहीं मिल रहा? साहब खिला रहे, थोड़ा बहुत खिला दे रहे। उन्हें जितने हमारे पास है मूल लेके खिला रहे साहब। 4 क्विंटल गेहूँ मूल लाओ। खरीद के खिला रहे हो? खरीद के। तो जो शासन से गेहूँ आ रहा वो नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा साहब। अच्छा तो कितने महीने का नहीं मिला? साहब 3 महीना का अधूला पड़ो है। हाँ। और 3 महीना का पूरा है। 3 महीना से अंगूठा लगवा लो, अगले में दें। हाँ। बस देना दो नंजे, और 3 को बिल्कुल ना ही दो। इसी शिकायत को लेके आए थे भाई? शिकायत लेके आए साहब एसडीएम महोदय के पास। हाँ साहब।